7.2.2 जंतु ऊतकों का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल टिश्यूज। आइए अब हम जंतु ऊतकों के एक प्रकार के समूहीकरण को समझते हैं। जंतु ऊतक कार्यों के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, त्वचीय ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। त्वचीय ऊतक, ये ऊतक शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। इनके उदाहरण हैं त्वचा, मुंह की आंतरिक सतह, रक्त वाहिनियों के किनारों, फेफड़ों की वायु कुपिकाओं व वृक्क की नलिकाओं में पाए जाने वाला ऊतक। संयोजी ऊतक, शरीर का निर्माण कर विभिन्न अंगों को व्यवस्थित करने, जोड़ने व सहारा देने का कार्य करते हैं। पेशीय ऊतक, शरीर के विभिन्न अंगों को गति देने का कार्य करते हैं। तंत्रिका ऊतक, शरीर के विभिन्न अंगों में संवेदनाओं व उद्दीपनों का संवहन करने का कार्य करते हैं। तंत्रिका ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के समूह हैं। संयोजी ऊतक चार भागों में विभाजित होता है, अंतराली ऊतक, वसीय ऊतक, तरल ऊतक, कंकालीय ऊतक। अंतरालीय ऊतक, ये आंतरिक अंगों को सहारा देने का कार्य करते हैं। ये अंतरांगों, पेशियों, त्वचा के मध्य, रक्त वाहिनियों तथा तंत्रिका कोशिकाओं के चारों ओर पाया जाता है। वसीय ऊतक, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तथा अंगों की दबाव व झटकों से रक्षा करता है। ये त्वचा के नीचे पाया जाता है। तरल ऊतक, तरल ऊतक का कार्य शरीर के तापक्रम पर नियंत्रण, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन, शरीर की रोगों से सुरक्षा। और तरल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, रक्त और लसिका। कंकालीय ऊतक, कंकालीय ऊतक का कार्य शरीर का ढांचा बनाना, सुरक्षा तथा गति में सहायता करना होता है। कंकालीय ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, अस्थि, उपास्थि। पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी, हृदय पेशी। रेखित पेशी हाथ, पैर, गर्दन आदि से जुड़ी पेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। अरेखित पेशी आहार नली, श्वास नली, रक्त वाहिनियों आदि में पाई जाती हैं, हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं। हृदय पेशी हृदय में पाई जाती हैं, जीवन पर्यंत कार्य करती हैं।